है, क्योंकि न्यूजीलैंड के पास केन विलियमसन जैसा खिलाड़ी है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाय द वे न्यूजीलैंड काफी अच्छा खेला, उसके पीछे का रीजन क्या है, मैंने ये देखा था कि 10 ओवर तक तो उनके कुछ रन ही नहीं बने थे। 10 ओवर तक तो उन्होंने शायद मुश्किल से कुछ 57-58 रन बनाए थे, 60-1 रन बनाए थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगले 10 ओवर में उन्होंने लगभग 112 रन ठोके, 112 रन के करीब बनाए हैं, तो 110 रन के करीब, तो मायने रखता है उन्होंने उन्होंने फाइट बैक किया। और दूसरा क्या होता है, मेरा ऐसा मानना है पर्सनली, जब एक टॉस हो जाता है ना, और जो टॉस जीता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया, तो वो एक करेक्ट फैसला हो जाता है। अगर न्यूजीलैंड भी होती तो वो भी वही करती, किसी का रीजन होता है कि एक बार टारगेट सेट हो जाता है ना, तो फिर T20 में क्या आपको पता होता है कि आपको कैसे मारना है, क्या करना है, किधर खेलना है, क्या हो, लेकिन जब तक टारगेट सेट होता कुछ नहीं होता, तो पहली वाली टीम हमेशा खतरे में रहती है, ठीक है। तो T20 का ही बेनिफिट होता है। हमें हमारा नया विनर मिल गया। आज का सेशन किस बात पर है, मैं उसको बता देता हूँ। ज्यादातर लोग यही सोच रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, और वही हुआ। खैर, दावेदार तो था ही ऑस्ट्रेलिया, काफी स्ट्रॉन्ग, काफी टक्कर वाली टीम थी। बाकी न्यूजीलैंड भी जीत सकता था, ठीक है, क्योंकि न्यूजीलैंड के पास केन विलियमसन जैसा खिलाड़ी है। एक बात मैं आपको बताना